Myself, M.M. Vyas, retired additional district judge, Surat. आज गजरा विद्याभवन ने मैं मुलाकात ली थी। एक टॉक शो रखा जस्ट हम पूरा थो अगौ 15 ऑगस्टे मैं आ संस्था की विजिट करेली। सामान्य रीते हूँ एवं इम्प्रेशन में हो के हालना समय में जो स्कूलों के कॉलेजों शैक्षणिक इंस्टिट्यूशन्स चले है ये प्रोफेशनल है अने जाने पैसा कमावानुं एक साधन हो बधानी इम्प्रेशन है। आज मारी आ इम्प्रेशन दूर थी गई। आज मैं आ संस्था की विजिट करी अने ज्यारे जाण्युं के आ विशाळ कैम्पस है, नीट एंड क्लीन, एनु एडमिनिस्ट्रेशन, एनो स्टाफ, अहीं जे अटल टिंकरिंग लैब शुरू करी है कि जेमा एनो पर्पज इनोवेशन स्टूडेंट्स कई नवी क्रिएटिविटी करे, ए उपरांत टॉक शो माटे जे विडियो बनाव्यो छे कि जेमा जुदा जुदा अलग अलग फेकल्टीनी जे डिग्निटरीज होय मेडिकल छे, हेल्थ बाबते, लॉ बाबते, एमने इन्वाइट करीने टॉक शो करवामां आवे छे। तो बहु एक एक्सलेंट बाबत है। संस्था विषे जा तो घनी बड़ी संस्थाओं से अने ट्रस्टी श्री चुनीबाई गजेरा मैडम किंजलबेन साथ बात थी बने साथ प्रिंसिपल श्री रितेश अग्रवाल साहेब साथ बात थी अने हमने जे मने माहिती आपी के मात्र आज संस्था नहीं पर आवी अलग अलग घनी संस्थाओं से सूरत सीटी में अने सूरत नी बहार पण अमरेली अने घणा बधा विद्यार्थीओ એનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને ખરેખર એનું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એ મેં જાતે અનુભવ્યું કે એક્સેલન્ટ છે, જેમાં કોઈ ભેદભાવ નથી। કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ એક અહીં આવે એટલે બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ તરીકે એનું ફ્યુચર બ્રાઇટ થાય એ રીતે બહાર તૈયાર થઈને નીકળે છે। આની સાથે કંઈક વાત્સલ્ય ધામ નામની સંસ્થા પણ છે, હજુ મારી એની વિઝિટ બાકી છે અને હું ચોક્કસ કરીશ આ સંસ્થાની મુલાકાત પછી। મને એમ થયું કે એ સંસ્થાની પણ મુલાકાત કરીશ અને જે રીતે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એનાથી હું ખરેખર ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો છું અને થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધી મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીઝ, સ્ટાફ એન્ડ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન। થેન્ક યુ।